मुझे कुछ आवाज सुनाई दे रही है। आवाज लगता है घर में चोर घुस आया है ड्रॉइंग रूम में। रिलैक्स शांति, कोई चूहा बिल्ली होगा, सुने लो। अरे चूहा बिल्ली खिड़की की कांच तोड़कर तो अंदर नहीं आते, मुझे कांच टूटने की आवाज आई है। ऐसी आवाजें तुम्हें क्यों सुनाई देती है, हैं? चोर अंदर कहां से आएगा? शु, शु, शु। अलमारी का दरवाजा खोलने की आवाज। हाँ, शायद तुम ठीक कह रही हो, मैं देखता हूँ। अरे पागल हो गए हो क्या? इस सुनसान जगह पे हम लोग अकेले रहते हैं, चोर के पास पिस्तौल या चाकू होगा तो? नहीं नहीं, हम लोग हाँ पुलिस को फोन करते हैं। हाँ, फोन भी तो ड्राइंग रूम में है। अरे हाँ, तुम घबराओ मत, मैं देखता हूँ जाकर, तुम घबराना मत। हाँ विवेक, ठहरो विवेक, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। ठीक है आओ। स्टेशन, हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? अरे कुछ भी सुनाई नहीं देता, आप थोड़ा जोर से बोलिए प्लीज। हेलो हेलो, क्या हुआ? पता लाइन खराब है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हेलो हेलो, पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, यही रुको मैं होकर आता हूँ। नहीं नहीं विवेक, अकेले में मुझे डर लग रहा है, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। चलो ठीक है, चलो जल्दी। कार को भी आज ही खराब होना था, आओ। हाँ, अब क्या करें? टैक्सी या ऑटो मिल जाए तो अच्छा है, कहाँ इतनी रात पैदल जाते रहेंगे, सुनसान इलाका है आगे। ऑटो, ऑटो रोको, अनंत नगर पुलिस चौकी ऑटो। अजीब ऑटो वाला, इसने हमारी तरफ देखा भी नहीं। बहुत रात हो चुकी है, लगता है गाड़ी बंद करने वाला है, चलो पुलिस स्टेशन पैदल ही चलते हैं। चलो कौन आ रहा है? लगता है पुलिस स्टेशन जाने की कोई जरूरत नहीं है, वो देखो। अरे हाँ चलो चलते हैं। रुकिए इंस्पेक्टर साहब, रुकिए प्लीज, हमारी बात। अच्छा वो आप मिल गए, हमारे घर में चोरी हुई है। हाँ। बाप है, रुई नगर बंगला नंबर 21 में, थोड़ी देर पहले चोर खिड़की तोड़कर हमारे घर में घुसा, सारे जेवरात और कैमरा ले गया। उसके पास पिस्तौल भी है, बहुत खतरनाक सा लगता है। लगता है तुम लोग इस एरिया में नए हो। नहीं हरगिज नहीं, 4 सालों गए हमें इस एरिया में रहते हुए। इसका क्या मतलब, चोरी हुई है भाई? मैं कुछ नहीं कर सकता, अब ये एरिया मेरा नहीं है। आपका मतलब क्या कि एरिया आपका नहीं है? आप पुलिस ऑफिसर हैं और ऐसी बातें कर रहे हैं? मैंने कह दिया ना,
मैं कुछ नहीं कर सकता। आपका मतलब है कि हमें इतनी रात पुलिस स्टेशन जाना होगा रिपोर्ट लिखाने? जाकर के क्या फायदा, कोई नहीं सुनेगा। अरे अजीब ऑफिसर हैं आप, पुलिस ऑफिसर होकर ये कह रहे हैं कि पुलिस वाले हमारी मदद नहीं करेंगे। देखिए जो आपको पगार मिलती है ना वो हमारे पैसों से मिलती है, हमसे टैक्स काट कर, और आप हम उल्टी हम ही को बातें सुना रहे हैं। आप अपनी ड्यूटी क्यों नहीं करते? ड्यूटी? ड्यूटी का नाम मत लो, अपनी ड्यूटी निभा चुका हूँ और ड्यूटी ही निभाने जा रहा हूँ। देखो आप तो बहुत बुरी तरह से घायल हुए हैं, आपको तो फौरन हॉस्पिटल जाना चाहिए। नहीं, मुझे सूरजमल स्टेट जाना है, वहाँ सब मेरा इंतजार कर रहे हैं। सूरजमल स्टेट, ये वही जगह ना यहाँ 2 महीने पहले पुलिस एनकाउंटर हुआ था? 2 महीने पहले की बात मैं नहीं जानता, लेकिन अभी सेंकर गैंग के 3 आदमियों को पुलिस ने घेर रखा है, जबरदस्त फायरिंग हो रही है। आप प्लीज मेरा रास्ता मत रोकिए, मुझे जाना है। अजीब बात है, ना तो ऑटो रिक्शा वाला रुका और ना ही पुलिस ऑफिसर ने हमारे केस में इंटरेस्ट लिया। चलो 10 मिनट में पुलिस स्टेशन पहुंच जाएंगे। चलो गाड़ी रोकिए, प्लीज गाड़ी रोकिए। गाड़ी चला रहे हो, ब्रेक लगाओ। पागल हो क्या? देख नहीं रहे कैसी गाड़ी चलाते हो, ब्रेक नहीं है क्या? तुम सड़क के बीच बीच खड़े क्या कर रहे हो, क्यों रोका हमें? छोड़ो ना जी, शायद इन्हें लिफ्ट चाहिए। लिफ्ट? हाँ हाँ, हमें लिफ्ट चाहिए, पुलिस स्टेशन जाना है। छोड़ दोगे क्या? पुलिस स्टेशन? अरे पुलिस हमारा क्या बिगाड़ ले गया, छोड़ देते ने। हाँ चलो बैठो बैठो बैठो। थैंक यू। आओ शांत। ये दोनों पिए हुए हैं। अरे कुछ नहीं होगा, आओ ना, मैं हूँ। नहीं नहीं, मुझे इस गाड़ी में नहीं जाना है। देखो 10 मिनट का रास्ता यहाँ से, हमें जल्द से जल्द चोरी की रिपोर्ट दर्ज करानी है। आप, मैं हूँ ना। अरे चलो जल्दी बैठे, पियो पियो, आराम से चलाओ। कैसे चला रही होगा? अरे आगे देखो ना, संभल के चलाओ। अरे संभल के, जल्दी है क्या? हमें तो जल्दी है, हमें कहीं और पहुंचना है। जरूर पहुंचना होगा, लेकिन सही सलामत पहुंचना है ना। वैसे दिना को कहाँ जा रहे हो तुम लोग? लोनावाला जा रहे हैं। हाईवे से होके गुजरोगे ना? अरे अरे संभल के चलाओ, कैसे चला रहे, आगे देख के चलाओ। तुम तो ऐसे चला रहे हो जैसे, अरे संभल के, ऐसे चला रहे, अरे संभल के, यूं भी ब्रेक फेल है। अरे मेरी सलाह मानो, रास्ते में कोई गैराज देखो और अपनी गाड़ी चेक करो, ऐसे तो तुम कहीं भी ठोक दोगे। आगे बड़ी खतरनाक जगह है, मेरी सलाह मानो। हजारों ट्रक गुजरते हैं, खासकर बॉम्बे पुणे हाईवे पे। सामने जो घाट है उस पे तो ऐसा मोड़ आता है कि जहाँ 2-3 एक्सीडेंट रोज होते हैं, हमें मालूम है, मालूम है। और तुम्हें डर नहीं लगता? जो मौत से घबराते हैं वो डरते हैं, हमें किस बात का डर? डर इस बात का कि तुम पीकर गाड़ी चला रहे हो, कहीं टकरा दोगे, अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो तुम्हारा लाइसेंस तो लेगी, लेकिन तुम्हें भी अंदर कर देगी, और कहीं खुदा ना खासा तुम एक्सीडेंट कर बैठे सीरियसली तो। लेक्चर छाटना बंद करो, तुम्हें पुलिस स्टेशन जाना है ना, छोड़ देंगे, बाकी चीजों से तुम्हें क्या मतलब। आजकल के लड़कों को बात करने की तमीज तो है ही नहीं, इनके माँ बाप ने इनको कैसे। चला पुलिस स्टेशन आ गया, अब उतरो। हाँ हाँ उतरते हैं। थैंक यू। अच्छा संभल के, लगता है पागल है तुम। पागल हम नहीं, आप है। आप ठीक ठीक बताइए, आप मुझे ठीक ठीक बताइए कि आपके साथ क्या बात है। जिस वक्त आपके घर में चोरी हुई उस वक्त आप कहाँ थे? आपको बताया ना, हम फिल्म देखने गए थे सदरा टॉकीज में। मैं तुमसे पहले ही कहता था कि फिल्म देखने मत जाओ, अगर घर में रहते तो कुछ भी नहीं होता था। अच्छा, साहब आप तो अभी कह रहे थे कि आपने उसे देखा। हाँ हाँ देखा, जब मैंने फाटक के अंदर गाड़ी घुमाई तब मैंने एक आदमी को दीवार लांग कर बगल वाले प्लॉट में घुसते हुए देखा। चेक वाला शर्ट था, काली पैंट पहने हुए था और कमर पर एक कपड़ा भी बांधा हुआ था और हाथ में गोली भी थी।
ये तो वही आदमी जिसने हमारे यहाँ चोरी की है। अरे इंस्पेक्टर साहब भी उसी आदमी की बात कर रहे हैं जिसने हमारे यहाँ चोरी की है। अरे कहाँ है, क्या हो गया शहर को? इंस्पेक्टर साहब हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। तो चल मेरी बैठ जाते हैं, ये इनसे बात कर लेगा फिर हमारी भी सुनेगा। चलो क्या सुनेगा हमारी, चलो बैठते हैं। चलो तो साहब मेरे को छोड़ दो ना साहब, मैंने क्या किया है साहब? मैं रस्ते से जा रहा था, थोड़ी सी पी ली थी, बस ये इन लोगों ने मेरे को पकड़ के लाया। आपको हेलो क्या रूही नगर में खून हो गया? मैं अभी आता हूं, एड्रेस क्या है? हाँ हाँ ठीक है, तो मेरा इंतजार करो, मैं आ रहा हूं। इन साहब का स्टेटमेंट लिख लो, आप अपना स्टेटमेंट इनको लिखवाइए, मुझे फौरन जाना है रूही नगर में खून हो गया। अरे रूही नगर, ये तो हमारा एरिया है। अरे उसके पास पिस्तौल है, बहुत ही खतरनाक आदमी है वो। अब फिर से इस हवालदार को पूरा वाकया बयान करना पड़ेगा। देखिए हवालदार, हम फिल्म देखने इंटरेस्ट ही नहीं है। मैं कल सुबह जाकर इनके सीनियर से इनकी कंप्लेंट करूंगा। आखिर ये तरीका है हमें ट्रीट करने का? हमारी बात तो सुने, कोई नहीं सुनेगा। हमारे घर से भागते हुए न हवलदार सुनेगा, न इंस्पेक्टर सुनेगा। वहां भी जाओगे तो पुलिस कमिश्नर भी नहीं सुनेगा। सच कह रहा हूं मैं, भरोसा करो मेरा, मैंने ही सब करके देखा है, मैंने ये सब करके देखा है। आपका मतलब, आप यहाँ क्यों आए हैं? 7 साल पहले मेरा बेटा लापता हो गया, 19 साल का था। उसके कॉलेज में गया, उसके यार दोस्तों से पूछताछ की, अपने रिश्तेदारों से पूछा, लेकिन कुछ पता नहीं चला। और पुलिस ने आपकी कोई मदद नहीं की? 7 साल से इस पुलिस चौकी की मैं खाक छान रहा हूँ। अपना काम खत्म करके रोज रात को यहाँ आता, इन लोगों से पूछता कि मेरे नवीन का क्या हुआ। इन्होंने मेरी कोई मदद नहीं की, ये यही कहते रहे कि तुम्हारा नवीन अपनी मर्जी से घर छोड़ करके गया है। और फिर ये उसे ढूंढ नहीं पाए और तंग आकर ये मामला मैंने अपने हाथों में ले लिया। मतलब क्या करता मैं और क्या करता? कहाँ है मेरा नवीन? कहाँ है मेरा नवीन? जब तक तुम उसे ढूंढ करके नहीं लाओगे, तब तक मैं यहां से नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं बैठा रहूंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। पागल हो गया तुमसे बेचारा, वही इतने पत्थर देना कि सुनते भी नहीं। चलो चले यहां से। लेकिन रिपोर्ट, हाड़ में गई रिपोर्ट, या बाद में सुनते रिपोर्ट लिखाने से क्या होगा? समय बर्बाद कर रहे हैं हम लोग, चलो चले। चलो, किसी ने तो सुनी हमारी, रूही नगर चलोगे? अरे भाई ऐसे क्यों देख रहे हो, बोलो चलोगे या नहीं, बोलो भाई कुछ, ये बोलता क्यों नहीं है, क्या हो गया इसको, चलोगे या नहीं, बोलो तो सही कुछ। माफ करना साहब, आजकल सवारी जरा देख कर बिठानी पड़ती है। क्या मतलब? आप तो फैमिली के साथ हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसे लफंगे मिल जाते हैं कि क्या बताऊं। तुम कहना क्या चाहते हो? अभी 1 महीना पहले की बात है, मैं इसी रोड पर गाड़ी ले जा रहा था कि 2 सवारियां मिली, बोले स्वार गेट जाना है। अभी आधे रास्ते गए होंगे तो उन्होंने कहा कि गाड़ी रोको, उन्होंने गाड़ी रोक दी। फिर जानते हो उन्होंने क्या किया? क्या किया? उनमें से एक ने चाकू निकाल लिया और मुझे गाड़ी बंद करने को कहा, मैंने बंद कर दी। फिर उसने कहा पीछे बैठो, मैं उतर कर यहाँ पीछे बैठ गया और वो जो चाकू वाला था मेरे बगल में बैठ गया और उसने चाकू निकाल कर मेरे गर्दन पर यहाँ रख दिया और फिर वो गाड़ी आगे जंगल की तरफ ले गए।
एकदम सन्नाटा था। फिर क्या हुआ? वहां ले जाकर उन्होंने गाड़ी रोक दी और मेरी जेब में से सारे के सारे पैसे निकाल लिए। मेरी दिन भर की कमाई पूरी 350 रुपए। और तुम्हें छोड़ दिया? छोड़ दिया? खैर जाने दे, आइए आइए मैं आपको छोड़ दूं। सुना तुमने टैक्सी वाला क्या कह रहा था? देखो शांति, मेरे पास अब बिल्कुल सबर नहीं है। पहले घर में चोर आया, फिर जेब में दो पागल मिले, और उसके ऊपर बदतमीज पुलिस, और अब ये टैक्सी वाला। माथा बना गया मेरा उसकी बकबक सुनकर। जो होना था हो गया। अब बहुत थक गया, मुझे नींद आ रही है। चलो घर चलकर सोते हैं। पुलिस की गाड़ी यहाँ पर? अरे हम लोग तो जाते वक्त दरवाजा बंद करके गए थे। हाँ। फिर खुला क्यों है? और बत्ती भी जल रही है। लगता है चोर को घर में घुसते हुए देखकर किसी ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया होगा। आओ देखते हैं। कुछ आवाज सुनी? नहीं नहीं, पता भी नहीं चला, कुछ सुना भी नहीं। नहीं नहीं, नहीं कुछ नहीं सुना। जब इन्हें बुलाने के तुमके कान पर जूं तक नहीं रहेगी, और अब आकर देखते हैं सारा घर पुलिस से भरा पड़ा। सुनिए, आपका ऑफिसर इंचार्ज कौन है? एक्सक्यूज मी, क्या मुझे सुन रहे हैं? क्या हो गया यार, सारा शहर बहरा हो गया क्या? अरे विवेक वो देखो। सभा हमारे पड़ोसी यहाँ पर, इन्होंने पुलिस को बुलाया होगा। सर बाबर, क्या आपने पुलिस को बुलाया? एक फोटो इधर से। सर बाबर, मैं विवेक, आप मेरी आवाज क्यों नहीं सुन रहे? हाँ देख रहे हैं आप लोग। हे भगवान। शांति संभालो, संभालो आप लोग। क्या मजाक है, ये क्या हो रहा है? आप लोग सुन क्यों नहीं रहे मेरी आवाज? प्लीज आप मुझे समझाइए, ये क्या हो रहा है? प्लीज आप मुझे समझाइए जरा, प्लीज। तुम अब तक नहीं समझे? तुम अभी भी नहीं समझे? तुम मेरी आवाज सुन सकते हो? हाँ। ये क्या हो रहा है, सबका क्या मतलब है? अगर मैं यहां हूं तो वहां कैसे पड़ा हूं? मेरी आवाज क्यों नहीं सुनते ये लोग? वो सुन नहीं सकते, वो अभी जिंदा है। जिंदा है मतलब? तुम मर चुके हो, तुम दोनों मर चुके हैं। संभालो अपने आप को, अगर मैं मर चुका हूं तो मेरी आवाज कैसे सुन सकते? क्योंकि मैं भी मर चुका हूं। मैं सूरजमल स्टेट में डाकुओं से लड़ता हुआ मारा गया। हम सब मर चुके हैं। हम कैसे मर गए वो तो तुम जानते ही हो। एक्सीडेंट हो गया हाईवे पर। मैं अपने बेटे के बगैर जी नहीं सका। कहा था ना, मामला हाथों में ले लिया मैंने, अपने आप को खत्म कर लिया, फांसी लगाकर मामला हाथों में ले लिया, मामला हाथों में ले लिया। जिन मवालियों ने मेरी गाड़ी छीनी, उन्होंने मुझे चाकू से मार दिया, उसी सीट पर जहां पर तुम बैठे हो, बिल्कुल उसी सीट पर। घास ले लो। और आप? हम भी मर चुके हैं। नहीं। चोर ने हम पर गोली चलाई थी। अब तुम समझ गए। दुनिया संभालो, संभालो।
अब हमारी दुनिया अलग है। रो मत मैं, रोने से कोई फायदा नहीं है, मर चुके हो। हमें मरे हुए 3 हफ्ते हो गए, लेकिन अभी तक यकीन नहीं होता। सब कुछ हमारी आंखों के सामने हो रहा है, हम सिवाय देखने के कुछ नहीं कर सकते। तुमने देखा कल जब हम मेरे बहन के घर से गुजर रहे थे, कितना फूट फूट कर रो रही थी वो मेरे फोटो को देखकर। मैं बहुत चिल्लाई लेकिन उसने मेरी एक बात नहीं सुनी। शायद यही हमारे भाग्य में लिखा है। क्या मतलब तुम्हारा? जहाँ पर हम मरे थे वहीं पर हमारी आत्मा भटकती रहेगी। मुझे भी अब धीरे धीरे सब समझ में आने लगा है। जो लोग दर्दनाक मौत मरते हैं उनकी आत्मा यूं ही भटकती रहती है। तुम्हें याद है वह पुलिस स्टेशन में बुड्ढा मिला था, अपने बेटे के लिए रो रहा था। जब तक पुलिस उसके बेटे को ढूंढ नहीं लेती वो यूं ही वहां बैठा रहेगा न्याय के इंतजार में। और हम किस न्याय का इंतजार कर रहे हैं? रुक जा, रुक जा। ये तो वही चोर है जिसने हमारा खून किया था। वाला, ये तो मर गया, एम्बुलेंस को बुलाओ। तो मर चुके थे ना? अरे बेवकूफ, तो खुद मर चुका है, देख अपनी लाश। नहीं नहीं, मैं जिंदा हूँ। अरे देखो देखो, मैं जिंदा हूँ, देखो मेरी तरफ। कोई नहीं सुनेगा सिवाय हमारे, और अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। क्या मतलब आप लोग का? तेरी मौत से हमें न्याय मिल चुका है, हम मुक्त हो गए हैं। अब मेरा क्या होगा? यूं ही भटकता रहेगा, बस भटकता रहेगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.